अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग के साथ पे माशाल्लाह माशाल्लाह सुबह हो चुकी है और सारी छुट्टी है, तो समीर भी इधर बैठे, आयान भी इधर बैठा है और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा कुछ काम से, क्योंकि शाम में हमको जाना है एक पार्टी में, बर्थडे पार्टी में। तो अभी हमारी तैयारी हो रही है और पार्टी में जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर की पार्टी है और मेरी दोस्त को बहुत शिकवा गिला है क्योंकि मैं बहुत कम फंक्शन में जाती हूँ, क्योंकि उसके बेचारे बेटे की शादी थी। जब भी मेरा कुछ ऐसा था, मैं अजमेर का क्या, नहीं नहीं उमरा करने जा रही थी मैं शायद, है ना, उमरा करने कुछ जा रही थी क्या, अजमेर का कुछ ऐसा था, शादी में नहीं गई थी, हल्दी मेहंदी में चली गई थी और बेचारी बच्ची का भी हुआ, तो बच्ची भी हुई तो मेरा कुछ जाना हुआ ना, मैंने डायरेक्ट कुछ पार्टी रहेगी तो मैं डायरेक्ट ऐसी मिलूँगी, तो आज जाना तो हमारा बहुत ज़रूरी बनता है। और समीर को भी खास करके बोली, भाईजान तुम इसको लेके आना, है ना समीर, करके तो फिर आज हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, तो शाम को मिलेंगे जाएंगे पार्टी में, तो देखते हैं अभी आज क्या है, लुक होता है मेरा, है ना। थोड़ा मैं जा रही हूँ अभी बालों का थोड़ा टचअप निकालती हूँ, है ना, बाल का देखो कलर कितना फैट हो गया और थोड़ी सफ़ेदी भी आ जाती है ना बुढ़ापे के हिसाब से। कितने लोग बोलते ना कमेंट में, ए बुड्ढी, तो बुड्ढी जा रही थोड़ा जवान बनने के लिए। बुड्ढी तो हूँ भाई, नाती वाली हूँ तो बुड्ढी ने तो क्या जवान रहोगी क्या, ऐतराज़ नहीं होता भाई अपने को, क्योंकि हम है बुड्ढे, क्योंकि हम जब नाते पोती, अभी पोता भी आ जाएगा इंशाल्लाह थोड़े दिन में, 5-7 साल के बाद में, तो बुड्ढे को बुड्ढा नहीं बोला जाएगा तो क्या जवान बोला जाएगा क्या, तो मुझे बुरा नहीं, कोई नाम तो मिलता है ना इतने प्यार से, बुड्ढा या बुड्ढी, हाँ है ना। और वो एक हेटर बहुत ज़्यादा बोलता है घड़ी घड़ी, उसको तो अच्छा मैं जवाब दूंगी, वो क्या बोलता है अभी, क्या इसका नाम व्यूज़ कम आ रहे, अभी इसका नाम लो, उसका नाम लो, क्या रे तेरे सगे वाले लग रहे क्या लोग बहुत ज़्यादा, कहते को मिल रहा तू चाटूगिरी कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, काम धंधा नहीं करता तू, भी लगता यही चाटूगिरी करता है लोग के जैसी, है ना। तो तू बहुत ज़्यादा सपोर्ट में बात करता है, ए बेटा अगर मेरे को व्यूज़ कमाने का रहता ना तो बहुत इश्यू लेके दिन रात बैठ जाती थी, अपने घर के लेके झूठे सच्चे बैठ जाती थी। आज मेरे मर्द ने ऐसा कर दिया, आज मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, आज मेरी बेटी ने ऐसा कर दी, इतने इश्यू लेके बैठ सकती थी मैं, आज मेरे मर्द का उसके साथ अफेयर चालू हो गया, हाँ और आदमी ने मेरे ऐसा, मैं इसके साथ भागने वाली हूँ ऐसे से करके, बहुत 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 आप लोगों को ट्विस्ट मिलता था, मसाला मिलता था, समझे क्या, वो सब हमारी आदत नहीं है इतना मसाला इसके लिए करने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए, पैसे कमाने बैठती ना तो बहुत कुछ कमा के बैठ जाती हूँ, हमारे को ना हमारी इज्जत बहुत प्यारी है, ये सब चीज़ें नहीं है, ये तो हमें एक टाइम पास, एक शौकियाना और एक आप लोगों के साथ टाइम पास होता है, है ना। ये तो एक मैं नूरी की भी इश्यू बनाते बैठती थी घर के, अरे अल्लाह नूरी ने ये कर दी, नूरी दाद मेरे घर से ये लेके चले गई, सईदा पर वो कर डाली, इनके ऊपर ही बहुत इश्यू बना सकती थी, काम वाले भी बदल बदल के, नहीं सईदा पा इंजाम लगा लगा के, तो वो आदत है हमारी नहीं है, जो सच बात होती वही करते हम लोग, झूठी सच्ची बातें नहीं करते, बातों को लंबी नहीं करते। देखो दो दिन की बात थी, वो सामेली बंदी ने जब बंद कर दी वो चीज़ें हटा दी, तो उसका नाम भी हम लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि किसी का फालतू नाम लेके कुछ मिलता नहीं है, तो जब वो चीज़ मान गई वो सामेली, तो बेचारी का क्यों नाम लूँ उसकी, क्या मेरी दुश्मनी है क्या कोई, हाँ जब कोई अच्छे से मान जाता तो अच्छी बात है, जब कोई मानता नहीं है तो फिर उसका तो फिर मालूम है ना मरियम शेख फिर क्या करती है, हाँ तो अभी तू ज़रा बाइलेगिरी कम कर, अभी तेरा नाम लेके परसों बोलूँगी, परसों नहीं बोलूँगी, अभी मैं बगदाद जा रही ना, बाद में तुम लोग के साथ जो है ना हेटर वो सब बताऊँगी, और वो उसको तो दे चमचा, अच्छा नूरी ने बोल तो उसका नाम चमचा रखी है, चलो नूरी ने एक नाम रख दी चमचा, कौन सा वाला, नहीं बाबा छोटा छोटी क्वालिटी का चमचा, मैं चमचे बहुत भारी भारी यूज़ करती हूँ, हाँ ओके चाकड़े वाला अच्छा, क्योंकि मेरे चमचे बड़े भारी भारी, रोज गोल्ड, हाँ यूज एंड थ्रो रे नूरी, यूज करो फेंक दो, हाँ क्योंकि हमारे ना रोज गोल्ड का चम्मच हमारे पास है, गोल्ड का चम्मच हमारे पास है, ब्लैक वाला होता है ना वो है, पिंक वाले चम्मच है, मतलब हमारा सब किस्म की चम्मच है, तो फिर तेरे को क्या मैं भारी चम्मच बना नहीं सकती हूँ, हाँ हाँ रुकना आया अंधेरा, ये भी बोलना जरूरी है मेरा बच्चा करके, और वो उसको जो बिचारी है वो क्या, अरे समीर रोज रोज क्या गुलाबो,
नहीं रोज़ के रोज़ हाँ रोज़ ना हाँ, तो वो भी बहुत क्या करती है, एक मतलब पहले अच्छा कमेंट करेगी फिर बाद में कुछ ऐसा टूनका मारेगी, उसको भी आदत है। तो उसको समीर ने कल अच्छा जवाब दिया, बोलती है बेल्ट लगा के बैठो, आप सबको रूल्स सिखाते हो गाड़ी में बेल्ट नहीं लगाते। तो बेटा मैंने आज तक गाड़ी में कभी ज़िंदगी में बेल्ट नहीं लगाई हूँ, क्योंकि मैं अपने बैलेंस से ही बैठती हूँ, मेरा इतना हेल्दी वजन भी नहीं है कि गाड़ी में मैं ऐसी सी हो जाऊँगी। और समीर ने बराबर बोला तुमको कि तुम ट्रैफिक हवलदार रहे क्या जो तुम इतना ध्यान रख रहे हो। तो समीर ने बराबर आपको मैसेज डाल दिए, और मेरे को देखने की भी ज़रूरत है, मेरा आदमी डाल देता मैसेज। और फिर तुमने एक दो मैसेज और भी डाला, हाँ मैं कपड़े के ऊपर दूसरे को बहुत सीख दे रही थी, खुद तो देखो क्या पहन रही। तो मैं पहले से पहनती हूँ कपड़े में, तो मेरे को कोई बोल नहीं सकता कि मैं कपड़े नहीं पहनती हूँ। कपड़े तो मैं कोट सेट से लेके पंजाबी ड्रेस से लेके साड़ी से लेके, आज तो देखो लहंगा भी पहनने वाली हूँ, लहंगे से लेके और क्या बोलते हैं, मतलब मैं हर कपड़े पहनती हूँ, जीन्स से वेस्टर्न से लेके। तो मैंने कभी नहीं पता ही कपड़ों के ऊपर। और मैंने अफरोज को भी बोली, देखो उसकी मर्ज़ी, वो कपड़ा पहने डांस करे, उनकी फैमिली को पसंद है, वो कुछ भी कर सकती है, हमको उनकी नीति अंदर की ज़िंदगी में झांकने की ज़रूरत नहीं है। तो तू ज़्यादा माँ मत बन, मैं क्या पहन रही क्या नहीं पहन रही, मेरा मर्द इधर बैठे लाए, तू मेरा मर्द बनने को मत जा। और मुझे औरतों वाला शौक नहीं है, समझी, कहते को मैं रखूँगी लेसबिन बना के, तो मेरे को लेसबिन वाला शौक नहीं है। तो तू मेरी बनने को मत जा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, हाँ मैं कौन से भी कपड़े पहनूँ क्या भी पहनूँ, सही है ना, हाय मेरा आदमी। और मेरे को, मैं अभी वापस से बोल रही हूँ कि मेरे को औरतों वाला शौक नहीं, तो मेरे अंदर ज़्यादा तू इंटरेस्ट ले मत बाबा, हाँ फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा करके। नहीं नूरी अभी क्या करी, घड़ी घड़ी मेरे को ना वो कर रही है, समझ रही, मेरे कपड़ों पे ध्यान दे रही, मेरा बैठने मेरी इसको परवाह लग रही, गाड़ी पे बेल्ट लगाऊ ये करूँ तो, हाँ नहीं ये मेरी बस वो बन रही है ना, प्यार कर रही मेरे से ये तो प्यार नहीं करना, सॉरी मेरे को ऐसा वाला प्यार का शौक नहीं है, हाँ लेसबिन वाले प्यार नहीं करती मैं बेटा, दूसरी जगह कोई लेसबिन देख ले मैं नहीं जमूँगी तेरे को, हाँ समझी क्या। चलो फिर मिलती हूँ, बने रहना आजा क्या तो देखो आयन जा रहा है जिम, चलो आगे आगे आ जाओ दोनों, आयन जा रहा है जिम, समीर और मैं जा रहे सैलून, और अभी गाड़ी आएगी आगे और मैं चल रही हूँ। सारे बच्चे खेल रहे मस्त, अरे बेटा आगे देख, आगे देख, बाप रे आंटी को देखने में ठोकता क्या, हाँ मैं हटाती हूँ। बच्चे लोग आज छुट्टी है ना, फुल मस्ती चालू है बच्चे लोग की, मैं हटा रही ना, सद्दम भैया है साइकिल हटा रहे, मैं हटाते साइकिल ही लुढ़क गई, बच्चों की मस्ती साइकिल वाइकल लेके पूरी चालू है, ऐसा नहीं फास्ट लेके जाना साइकिल, आंटी को देखते देखते तो, हाँ तो देखा था मेरे को, हाँ। अच्छा मेरा ब्लॉग देखते तुम लोग, हाँ। अच्छा तुम फोन में देखते है। अच्छा देखो ये बोलता बच्चा भी मेरे को देखता है फोन में, हाँ सारे बच्चे खेल रहे अपनी गाड़ी है, सब खड़ी है अचानक उदास में, उधर एक गाड़ी इधर एक गाड़ी एक जा रही है। तो चलो मिलती हूँ आप लोग से, तो आज मैं आई थी वसीम के पार्लर पे, और देखो मैंने हेयर कलर अपना की और कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, और ये वसीम ने किया है कलर, और ये हमारे नम बाजू में ये जिसे अपना एड्रेस बता दो वसीम, वसीम यूनिसेक्स सैलून गणेश जनरल स्टोर के जस्ट बाजू में है, तो मरुल मरोसी रोड, एक मिनट, तो माशाल्लाह देख सकते हो आप लोग कलर मेरा देख सकते हो, थोड़ा मैंने कटिंग भी करा है, आजकल मैं बाल की ज़्यादा कटिंग कराती नहीं हूँ, थोड़ा सा ट्रिम कराती हूँ, और कलर देख सकते हो आप लोग, और मैं बालों में आजकल ब्लीच भी नहीं कराती हूँ, ग्लोवर पूरा ही करवाती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ख़राब होते थे इस वजह से, और कलर आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा कलर हुआ है मेरा, है ना। तो जिस किसी को भी आना है तो वसीम के पार्लर पे आ सकते हो, और इनको तो आप जानते ही है पहले से ही, तो अल्लाह ने इतना नवाजा कि खुद अपना पार्लर खोल दिया है ना, हाँ तो पहले ये दूसरे पार्लर में थे मगर अभी अपना पार्लर खोल लिया है, तो आप लोग विजिट करो, आप लोग को अच्छा लगेगा करके, और मैं इंस्टाग्राम पे भी इनकी आईडी टैग कर दूँगी, ओके थैंक यू।
तो फाइनली आप लोगों जैसा बताई थी कल मैं पार्टी में जाने वाली फरजाना के इधर, जैसे कि फरजाना की पोती, जैसा हमारी भी पोती है उसका आज बर्थडे पार्टी है, तो अभी हम लोग जा रहे। तो आज ये लुक देखो मुझे फराना ने दी, और हमेशा से आप लोगों को पता है मुझे लुक कौन देता है, फराना ही देती है। जब भी मुझे पार्टी में जाना है किधर भी बड़ी पार्टी वार्टी में, तो मैं फराना से रेडी होती हूँ और फराना मुझे एकदम चेंज कर देती है। आप लोगों को पता ही है, पूरे सोशल मीडिया पे पता है, पूरे इंस्टाग्राम पे पता है, पूरे मेरे ब्लॉगिंग पे पता है। तो ये आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरा हेयर स्टाइल भी आप देख सकते हो, और मेरा लुक कैसा लग रहा है और मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना आप लोग। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग को अगर फराना तो आप लोग बताए, इतनी फेमस ही है कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फराना की आईडी तो मैं अपने साथ ही टैग रहेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे आप तो आईडी टैग ही रहेगी, तो आप लोग फॉलो करो, बुलाओ फटाफट। और इसके साथ में फराना क्लास भी लेती है ना, तो बोलो आप कुछ। क्लास जो है वो फैब में आने वाली है, अभी तो वेडिंग सीजन रहेगा, फैब तक की बुकिंग अभी चालू है, दिसंबर फुल बुक्ड है, तो दिसंबर की बुकिंग नहीं हो पाएगी। उसके अलावा कोई मंथ की आपको बुकिंग करवानी है तो डेट्स अवेलेबल है, आप बुक करवा सकते हो। ब्राइड्स के लिए मैं आती हूँ, और अगर साइडर के लिए करवाना है तो मेरे असिस्टेंट्स भी रहते हैं, वो भी आएंगे। जब मैं इतनी मतलब कितनी हो गई पता है, 48 है ना शायद, हो गया मेरा 48 में मुझे फराना इतना चमका सकती, तो ब्राइडल को कितना चमकाएगी, समझ सकते हो ना। लग रही मैं नानी वाली, मेकअप निकलता नहीं ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं, कभी पैच नहीं आएगा, कभी मेकअप नहीं, कुछ भी गए अभी भी मैं अभी तो गई भी कुछ भी कर लो, लिपस्टिक पे ऐसा ऐसा भी कर लो, ऐसा ऐसा भी कर लो, कुछ नहीं आएगा। ओके तो बता मतलब आप लोग देख सकते हो ना, बाद में स्किन क्लीन करने के बाद भी कितने लोग का इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ मेकअप ऐसे रहते हैं, तो कुछ भी नहीं। और मैं बहुत जो आप लोग बताए सब चीज़ का केयर करके अपनी स्किन का, तो मैं जल्दी किसी से कराती भी नहीं मेकअप, तो मुझे फराना ही दे करती हमेशा से मेकअप। अभी फराना मेरा साथ छोड़े तो मैं बोल नहीं सकती, मैं फराना को नहीं छोड़ सकती। ओके तो फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए अब जाने के लिए, और आज से नवरात्रि शायद हो ना चालू हो गया ना, सुनो ना, अजगट बैठ गए, चालू है, आगे क्राउड भी है, मतलब ट्रैफिक भी है, देवी जा रही है और हम लोग भी जा रहे, भी निकल गए, टाइम हो गया है। एम दर्द दूर रख यार, इतना मुँह पे उजाला मार रहा है बस। हाँ चल, मैं इसी में काली पीली नहीं होकर मैं उसमें लाइट चालू करना पड़े। तो फाइनली हम लोग जा रहे अभी लक्की के पास पहुँच गए, और 7:30 बजे निकलना था, टाइम हो गया। मेरे समीर बोलते कि मुझे 4:30 बजे से बोलती तैयार होने को जाओ, तैयार होने जाओ, और अयान भी इतना चिल्ला रहा था, बाप रे बाप, तो मम्मी जल्दी करो, तुमने तो 7:30 का टाइम बोले थे। तो मैं बोलूँ अभी लेडीज़ लोग का टाइम होता ही है थोड़ा बहुत, है ना। ऐसा ही चिल्ला रहा था, तो एक फूल का बुगेस ले लेते तो अच्छा था यार, फूल का ट्रैफिक। अरे खाली था यार उधर, तो फिर अभी हम जा रहे हैं, तो चलो बने रही रहिए आप लोग, क्या क्या है उधर, तो फिर आपको मिलते हैं हम लोग। चाइना गेट, चाइना गेट में जहाँ बर्थडे पार्टी है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी, और ये पास है वहाँ का, देख सकते हो। और अभी हम लोग ये बच्ची हमारी जिसका बर्थडे पार्टी है। किधर है? चलो ना, जो आएगा वो मुझे जोर से बात करेगा। सभी के लिए यहाँ पे मैं दुआ कहना चाहूंगा, आसमान में इतने तारे हो कि आसमान दिखाई दे, जी मामा, आसमान में इतने तारे हो कि आसमान दिखाई न दे, आप सभी की जिंदगी में खुशियां हो, इतनी खुशियां हो कि कोई गम दिखाई न दे। और यहाँ पे मैं प्लीज, क्या बात है, प्लीज आ जाइए, आइए। कहाँ है सैफ अली खान? आ गए। इनकी करीना कहाँ है? इनकी करीना, करीना कहाँ है? आ जाइए प्लीज, आइए प्लीज। ओहो हो, क्या बात है। ओके प्लीज,
अच्छा यहाँ इसमें ज्यादा रोमांटिक कपल कौन लग रहा है? रोमांटिक कपल ज्यादा सर, रोमांटिक कपल कौन लग रहा है? अच्छा ये अनिल कपूर, अनिल कपूर। अच्छा सर मेरा एक सवाल है, सवाल का जवाब दे दीजिएगा। घर जाना नहीं, घर जाना नहीं, आइए प्लीज आ जाइए, आइए प्लीज आ जाइए। क्या बात है हमारे सैफ अली खान और करीना के लिए जोरदार तालियां प्लीज। ओके तो प्लीज सर, हाँ मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका सवाल का जवाब दे दीजिएगा। पहले वाइफ को देख लीजिए और सोच समझ के जवाब देना। माँ क्या सिखाती है, बीवी क्या सिखाती है? इतना डरा के रखा मेरे भाई को, बोल नहीं पा रहे। फिर सर बताइए, माँ क्या सिखाती है, बीवी क्या सिखाती है? इनसे डर, मुझे डर लग रहा है। घर जाना है, घर जाना है। ओके ओके थैंक यू सर। अच्छा सर बताइए, माँ क्या सिखाती, बीवी क्या सिखाती? घर जाना है सर बताइए। ये आदमी एकदम लग रहा है दबंग आदमी, बिंदास बोले अगर। सर बताइए, बोलते ना जैसा ड्राई फ्रूट में होता है, माँ क्या सिखाती, बीवी क्या सिखाती? Thank you.
आपके पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं और प्लीज ये हाँ कैप भी यूज़ करेंगे, थोड़े ये फीलिंग्स आने चाहिए, बर्थडे वाली फीलिंग्स है, यस है कि नहीं मैडम? हाँ हाँ, ये कैप लेना बर्थडे कैप, सभी बड़े पहनेंगे, अपने बचपन को याद करना है। और म्यूजिक बहुत है तो हम लोग उसकी थोड़ा थोड़ा पास कर देंगे और सभी खाना खाने लोग खड़े।
हेलो गाइस, जय हिंद जय महाराष्ट्र। आज हमारी गुड़िया का बर्थडे था, तो मरियम अब्बा, मैं, फरजाना, हम लोग तो बहुत पुराने फ्रेंड हैं, बहुत सालों के, तो आज फाइनली हम लोग बहुत समय के बाद मिले, इतना अच्छा लगा। मरियम अब्बा से मिलते ना दिल खुश हो जाता है एकदम, बाहर बाहर पहले हमारी बेल दबाया करो, बाद में आप ब्लॉग देखो। थैंक यू गाइस, जिंदा वाचिंग।